हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीरा आर्ट में। आज मैं मैरी गोल्ड गेंदे का फ्लावर बनाकर बता रही हूँ। मैं दो तरह का फ्लावर बनाई हूँ, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो मैं बड़े वाला फ्लावर का वीडियो मैं इसके पहले अपलोड कर दी हूँ और इस छोटे वाला फ्लावर को आज मैं बनाकर बता रही हूँ। इस छोटे वाले फ्लावर को मैं तोरण पट्टी पर बनाकर इसको लगाकर दिखाऊंगी। अब देखिए, अब मैं फ्लावर को बनाकर बता रही हूँ, छोटे वाले फ्लावर को। पहले मैं धागे में, ग्रीन वाले धागे में एक गांठ लगा ले रही हूँ और मैं क्रोशिया के मदद से चेन बनाऊंगी। देखिए, अब मैं चेन बना रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखिए, इसी तरह से मैं 100 चेन बनाऊंगी। बड़े वाले फ्लावर में मैं 200 चेन बनाई थी। जितना बड़ा फ्लावर बनेगा उतना ही चेन बनेगा, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। ये इतना ही भी पे भी बना सकते हैं। तो मैं अब 3 चेन छोड़कर और उसके बाद से वहाँ 3 वाले चेन में मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए, और सारे चेन में मैं डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। देखिए, 2 बन गया, 3, सारे चेन में डबल क्रोशिया बनेगा। तो मैं इसी तरह से बना ले रही हूँ सारे डबल क्रोशिया को, सारे चेन में। और पूरे पट्टी को मैं बनाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए, हमारा पूरा पट्टी कंप्लीट हो गया। लास्ट में है एक, मैं बना ले रही हूँ डबल क्रोशिया कैंची की मदद से। मैं धागे को काट दे रही हूँ और बाद में मैं धागे को सेट कर लूँगी। मैं ऑरेंज कलर से अब पंखुड़ी बनाना बता रही हूँ। सबसे लास्ट वाले था, अब यहाँ पे 1, 2, 3 चेन बना रही हूँ। इसके बाद से डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 डबल क्रोशिया, उसके 4 यहाँ पे डबल क्रोशिया मैं बनाऊँगी। 1 हो गया, 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 3 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। उसके बाद 3 चेन बनाकर वहीं पे मैं सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे, और फिर 3 चेन बना रही हूँ। उसके बाद से फिर 3, 2 छोड़ कर हरे वाले डबल क्रोशिए को और 3 वाले होल में मैं बुन रही हूँ डबल क्रोशिया 4। इसी तरह से मैं सारे पंखुड़ी को बनाऊँगी। देखिए यहाँ पे मैं सेट कर दे रही हूँ 3 चेन बनाकर। देखिए, इसी तरह से पूरे में मैं बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए, ये पूरा बन गया। अब एक मैं बना ले रही हूँ, लास्ट वाला बचा है। अब यहाँ पे मैं काट दे रही हूँ धागे को, और जिधर से ये सीधा दिख रहा है उधर से मैं आगे की तरफ रखूँगी, और जिस तरह से थोड़ा थोड़ा मुड़ा है पंखुड़ी उसको पीछे की तरफ मैं रखते हुए और इसको मैं मोड़ दूँगी। और मोड़ कर सुई धागे से इसे सिल दूँगी। देखिए, देखिए मैं सुई में धागे लगाकर और इसे पीछे से बांध दे रही हूँ। अच्छे से मैं बांध रही हूँ ताकि ये फ्लावर हमारा बिखरे नहीं, ख़राब नहीं हो, और कहीं सजाने पर भी ये अच्छा दिखे, ख़राब नहीं दिखे। तो मैं अच्छे से इसको बांधते रही हूँ। देखिए, हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। और मैं इसी तरह धागे को सुई में लगाए हुए रख दे रही हूँ और
पत्ती सेट करूंगी, तो अब मैं पत्ती बनाकर बता रही हूँ। देखिए मैं अब धागे में गांठ लगा रही हूँ और यहाँ पे मैं चेन बनाऊंगी फिर से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स चेन बनाकर मैं यहाँ पे लॉक करूँगी सबसे लास्ट वाले चेन में। अब मैं थ्री चेन बनाऊँगी, वन टू थ्री। इसके बाद मैं डबल क्रोशिया यहाँ पे बना रही हूँ, देखिए। इसके बाद इससे बढ़ा कर थोड़ा डबल क्रोशिया बनेगा, थोड़े धागे को मैं खींच दूँगी उससे बढ़ा कर, देखिए बढ़ा बढ़ा कर बनेगा यहाँ पे सेवन क्रोशिया, टू हो गया डबल क्रोशिया, अब थ्री डबल क्रोशिया बढ़ते हुए बना रही हूँ, बढ़ाते हुए फोर डबल क्रोशिया, ये हमारा फाइव डबल क्रोशिया है, ये सिक्स। धागे को मैं खींच रही हूँ उससे बढ़ा बढ़ा कर बना रही हूँ, ये सेवन डबल क्रोशिया। जितना बड़ा पत्ती बनाना होगा उतना ही आप डबल क्रोशिया को बना सकती हैं, उतना बड़ा पत्ती बन जाएगा। तो मैं थ्री चेन बनाकर और सबसे लास्ट वाले चेन में मैं लॉक कर दे रही हूँ, देखिए। और इसके बाद से मैं फिर डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इसके बाद इससे थोड़ा घटाते हुए बनेगा, इधर बढ़ाते हुए मैं बनाई थी डबल क्रोशिया, इधर मैं घटाते हुए बना रही हूँ, देखिए। तो पत्ती का शेप ये आएगा घटते हुए बनेगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा धागे को मैं कम कर रही हूँ, इधर सेवन मैं बनाई थी तो इधर भी मैं सेवन ही डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए लास्ट बचा है तो मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दे रही हूँ। इसके बाद से मैं फिर जितना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्रोशिया मैं यहाँ पे बना रही हूँ और उंगली वहाँ पे रख दे रही हूँ। और दूसरे पत्ती के लिए मैं वन फाइव चेन बना रही हूँ, यहाँ पे दूसरे पत्ती के लिए मैं फाइव चेन बनाकर और सबसे लास्ट वाले जहाँ पर उंगली रखी थी वहाँ पे मैं लॉक कर दी और थ्री चेन बनाकर अब मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए जिस तरह पहले बनाई थी पत्ती में उसी तरह से वन बन गया डबल क्रोशिया, उससे बढ़ाते हुए मैं दूसरा डबल क्रोशिया बना रही हूँ, तीसरा अब डबल क्रोशिया बनाई हूँ उससे बढ़ाते हुए मैं सेवन यहाँ पे डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे थ्री चेन बनाऊंगी, वन टू थ्री। अब सबसे लास्ट वाले में मैं लॉक कर दे रही हूँ और इसके बाद मैं फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी उससे थोड़ा घटाते हुए, देखिए यहाँ पे। अब इधर भी मैं सेवन डबल क्रोशिया बना रही हूँ, इधर घटाते हुए मैं बना रही हूँ। पहले मैं बढ़ाते हुए बनाई थी अब मैं लास्ट वाले में ज्वाइंट कर दे रही हूँ डबल क्रोशिया को यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे धागे को कट कर दूँगी कैंची के मदद से और पीछे धागे को सेट कर दूँगी। पीछे मैं धागे को सेपरेट कर दे रही हूँ और इसके बाद अब मैं फ्लावर में पत्ती को जोड़ कर दिखा रही हूँ। देखिए मैं धागे को उसी तरह छोड़ी थी सुई में लगा कर, अब मैं
देखिए इसे जॉइंट कर दे रही हूँ अच्छे से। देखिए दोनों तरफ मैं पत्ती में जॉइंट कर रही हूँ फ्लावर को। और पीछे से मैं बांध दे रही हूँ। देखिए हमारा छोटा वाला फ्लावर और पत्ती बनकर तैयार हो गया, और बड़ा वाला पहले ही मैं बता दी थी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैरीगोल्ड फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।